22 मई को रिम्स से एक सुखद खबर आई थी कि एक मां ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन 5 बच्चियों में से 4 बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। 5 बच्चियों के होने की खबर को लगभग हर मीडिया संस्थान ने जगह दी थी, क्योंकि रिम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। जब लोगों को पता चला कि सभी नवजात लड़कियां हैं, तो कई लोगों ने बच्चियों के पिता से पूछा भी था, आपको कैसा लग रहा है, एक साथ 5 बेटियां हो गई हैं, कहीं दुखी तो नहीं है आप? इस पर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था कि भगवान की कृपा से यह बच्चियां मेरी जिंदगी में सालों बाद आई हैं, इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। गरीब हूँ इसलिए इनके लालन पालन में भले ही थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि किसी तरह बच्चियों को सही इलाज मिल जाए और वह इस दुनिया में जीवित रह जाए। लेकिन इन नवजातों के माता पिता की इस पुकार को शायद भगवान ने अनसुना कर दिया। उन 5 बच्चियों में से 4 बच्चियां इस दुनिया में नहीं रह पाई। एक एक कर बच्चियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार 14 दिनों के अंदर बच्चियां एक एक कर जिंदगी की जंग हार गई। जन्म के बाद माँ और बच्चे सभी ठीक थे। रिम्स और रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चियों का इलाज चल रहा था, लेकिन 25 मई को पहली खबर आई कि एक बच्ची की मौत हो गई है। फिर 4 जून को खबर आई कि दूसरी की मौत हो गई है। इसके बाद 5 और 6 जून को भी खबर आई कि तीसरी और चौथी बच्ची की भी मौत हो गई है। इस तरह 5 में से 4 बच्चियां इस दुनिया में नहीं रही। अब एक बच्ची है जिसका इलाज चल रहा है। आरोप है कि उस अकेली बची नवजात के साथ भी रिम्स में अमानवीय व्यवहार किया गया। गुरुवार सुबह बच्ची के पिता उसको लेकर प्राइवेट क्लिनिक चले गए। पिता के अनुसार जब बच्ची की माँ उसको दूध पिलाने गई तो देखा कि बच्ची को चींटियाँ काट रही है और वह रो रही है। जब उसकी माँ ने नर्सों से पूछा तो उसके साथ अभद्रता करने लगी। रुई का टुकड़ा देकर कहने लगी, लो खुद ही हटा लो। इस पर बच्चे के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरती। अगर बच्चियों को सही इलाज की व्यवस्था मिलती तो वह नहीं मरती। पिता ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बच्चे इतने दिन तक तो ठीक थे, अगर सही इलाज होता तो वह बच सकती थी। बता दें कि सभी बच्चियां न्यूनेटोलॉजी विभाग की ICU में भर्ती थी। इन बच्चियों को जिसने जन्म दिया वह महिला झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड अंतर्गत मलकपुर गांव की रहने वाली है। बता दें कि सभी बच्चियां प्री मेच्योर और अंडरवेट थी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.